नमामि गंगे में सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो स्वतंत्र देव सिंह है। बलात्कारी, देखिए बीजेपी का मतलब होता है बलात्कारी जनता पार्टी, इनके वहां बलात्कारी, आतंकवादी, नक्सली सब मिलते हैं। ISI के एजेंट पकड़े जाएंगे तो ये मिलेंगे। आप लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मोहन भागवत मदरसे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, कुछ दिन में नमाज अदा करते हुए मिलेंगे, खतना करवा करके हौज के लिए भी जाएंगे इस संगी। अरे किसका सर्वे आ गया? गोदी मीडिया के सर्वे का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन हो गया है, चुनावी गठबंधन? भाई जो जिस तरह का होता है उसी तरह के उसके अंदर विचार आते हैं। स्वतंत्र देव क्या बात करेंगे कि उनके वहाँ एक लड़की महिला इंसाफ मांगने गई कि दरोगा के वहाँ मैं FIR कराने गई कि मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही है। दरोगा कह रहा है कि अपनी बेटी मेरे साथ भेज दो। तो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र दामोदर मोदी के चरित्र पर, मोहन भागवत के चरित्र पर, अमित शाह के चरित्र पर उंगली उठाने में उनको शर्म आती है, बेशर्मी की इंतहा पार करते हैं। स्वतंत्र देव सिंह निहायत घटिया इंसान है। अरे उंगली तो तब उठाएंगे ना जब नमामि गंगे में सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो स्वतंत्र देव सिंह है, एक भ्रष्ट आदमी। ये आपका मानना है? मेरा नहीं मानना है। योगी जी की आंतरिक रिपोर्ट उठवा देख लीजिए, उठवा के देखिए अभी पता चल जाएगा। कांग्रेस की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला नहीं होता है। डॉक्टरों को जबरदस्ती पैसा लेके CMO नहीं बनाया जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उन्हीं का, भाजपा का विधायक अमित शाह जी को चिट्ठी लिखता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ झाला अगर कहीं हुआ है और राजमंत्री नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुआ है, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की। राहुल गांधी कौन सा भारत जोड़ने निकले हैं? भारत जोड़ने, वो भारत जो भागलपुर दंगा हुआ था, वो भारत जो हाशिमपुरा में क्या नाम है मुसलमानों के साथ जो कांड हुआ, वो भारत कौन सा भारत जोड़ने निकले? वो जोड़ने निकले हैं जिस बिल्किस्मानों के बलात्कारियों को भाजपा सरकार साबुन सेंट से मल करके और उसे पवित्र बना रही, संस्कारी बना रही है। 10 साल आपकी सरकार उस... रही, क्यों नहीं सजा दिलवा पाए उन्हें, क्यों नहीं फांसी? आप सुनते जाइए, सुनिए कोर्ट का जो न्यायालय का फैसला होता है। वहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार थी, मुख्यमंत्री ये हुआ करते थे। गोधरा का पाप नहीं धुला है, जज सेट करके गोधरा को ठंडे बस्ते में डाल देना, पेगासस पे कोई जवाब नहीं देना। आपको आपको मैं बता देता हूँ, अभी अंकिता भंडारी किस बेशर्म भाजपाई नेता ने उस पर कोई टिप्पणी की और जबरदस्ती सबूत भी मिटाने का रिजल्ट को ढहा दिया गया। किसके आदेश से ढहा गया, किसके आदेश से ध्वस्त किया गया, क्यों सबूत मिटाएगा? बलात्कारी, देखिए बीजेपी का मतलब होता है बलात्कारी जनता पार्टी, इनके वहां बलात्कारी, आतंकवादी, नक्सली सब मिलते हैं। ISI के एजेंट पकड़े जाएंगे तो ये मिलेंगे। RSS के हसबोले का सुने हैं, सेकंड नंबर के हैं, RSS प्रमुख के बाद उन्हीं का आता है। कहे कि हमारे देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, भुखमरी के कागार पे पहुंच गए हैं। उस पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कुछ कहेंगे, उस पर अमित शाह नहीं कुछ कहेंगे, आप भी बताइए। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, बरसात हो रही है, भाषण दे रहे हैं और उसके बाद इनको मिर्ची लग रही है? लगे लगे दुनिया के लोगों को बवासीर कहीं और होती है और स्वतंत्र देव सिंह जैसे के को बवासीर उसके मुंह में हो गई है। अच्छा जिसको अब भाजपा के लोग जा रहे हैं इधर उधर टूट करके, वो नहीं आपको दिखाई दे रहा है? वो दिखाई नहीं दे रहा है? दुकान में सामान भी बचा कांग्रेस की में? हमारे दुकान में क्या सामान बचा है क्या नहीं बचा है, आप लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। डाल दो। अभी मोहन भागवत मदरसे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, कुछ दिन में नमाज अदा करते हुए मिलेंगे, खतना करवा करके
हौज के लिए भी जाएंगे इस संगी। आपको क्या दिक्कत हो रही? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाए देर आए दुरुस्त आए। किसी मजार पे जाते तब आपको बढ़िया लगता है? भाई हम हमारे वहाँ तो ये नहीं है कि हम किसी से नफरत, हमारे वहाँ नफरत की भाषा का के लिए और नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस में नफरत के लिए स्थान नहीं है। जितने भी देश में दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम राइट कराए जाते हैं वो संघी करवाते हैं, भाजपा के लोग करवाते हैं। अच्छा, चाहे वो कांग्रेस के रीजन में हुआ हो या कांग्रेस की होती है। अरे भाई कांग्रेस के रीजन में होती है। कन्हैया की राजस्थान में कन्हैया भी भाजपाई और कन्हैया की हत्या करने वाला मौलाना भी भाजपाई। अब क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है? नक्सलियों को रॉ मेटेरियल सप्लाई करने वाला छत्तीसगढ़ में वो भाजपा का जिलाध्यक्ष निकला था, गिरफ्तार है, ये क्या कहलाता है? ये देशभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है। नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड अखबार है। और बताइए कांग्रेस क्यों परेशान है? कहाँ परेशान है, अखबार कांग्रेस का है, स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने का, पंडित नेहरू ने चालू किया था, तो वो अपना अखबार चला रहे हैं। उसमें भारत सरकार को क्या दिक्कत? सफाई देते फिर रहे कांग्रेस? कहाँ सफाई दे रहे हैं, उसमें भारत सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? संघियों को क्यों दिक्कत हो रही है? पेशी आपकी हो रही है? अरे हमारी पेशी हो, आज जो ईडी है ना, ये कल उन पे भी झपट्टा मारेगा, उनके भी खोले बदला। जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जेल जा सकती हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं? महापुरुष वो भी जाएंगे? हाँ महापुरुष, ऐसे महापुरुष हो जाएं। इलियास ने क्या कहा कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं, उस संदेह को राष्ट्रपिता, हाँ वो राष्ट्रपिता को उपाधि दे रहा है, नकली ब्राह्मण को, हिंदुओं के दुश्मन को, समाज के नासूर को। पीएफआई पर बैन लगा दिया मोदी सरकार? अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन है तो 8 साल मोदी सरकार झपट्टा मार के सो रही थी, जांच कर रही थी। अब भाई जांच जांच कर रही थी, बैन लगाया। आरएसएस पर क्यों नहीं बैन लगाते? अच्छा पैदल चलने में वोट मिल जाएगा? ये जनता बताएगी, गांधी जी भी जनता तो बता रही है, गुजरात बता रही है, कहीं से कहीं कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं, वहाँ भाजपा की सरकार। उत्तराखंड में? हाँ आप जाइएगा बनवा दीजिएगा उत्तराखंड में। हाँ आप पहुँच जाइएगा, वहाँ की जनता बता रही है, जाइए रूरल एरिया में जाइए ना। उत्तराखंड में अभी चुनाव होता है, तीसरे नंबर पे आ गई। क्यों? कांग्रेस दूसरे नंबर पे, दूसरे पे बीएसपी है, आपको गलत फहमी है। आप जाके देख लीजिएगा, देख के लीजिए, हम बता रहे हैं ना आंकड़े आपको। जनता जिसको पसंद कर... जो है भाजपा का किला माना जाता है, तो इस किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा। कौन करेगा? अब देखिए कौन करेगा, वहाँ की जनता करेगी। अच्छा ये बताइए गुजरात की आबादी कितनी है? 4 करोड़ 5 करोड़ होगी? 6 करोड़ है। 6 करोड़ के मन में क्या चल रहा है आप और हम बताएंगे? अरे सर्वे आ गया आज तक। अरे किसका सर्वे आ गया? गोदी मीडिया के सर्वे का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन हो गया है? चुनावी गठबंधन हो गया है क्या? ये तो आरोप आप पे भी लगते थे। हो गया है? अगर मेरे ऊपर आरोप लगता कांग्रेस के ऊपर आया, करो मत ना चुनाव आयोग पे ठीक रहा। नहीं नहीं, अगर आरोप लगता तो 2014 में मोदी नहीं आते, ईमानदारी से कांग्रेस चुनाव करवाती है। सवाल ये है कि समझ गए, काम किया या नहीं किया ये? बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, जुमलेबाजी की, देशवासियों से धोखाधड़ी किया, देश को गड्ढे में पहुंचाया, देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। पहले 4 से 5 घंटा बिजली मिलती थी, अभी जो है 16-16 घंटा, 20-20 घंटा। कहाँ कहाँ कहाँ? अरे बिहार की बात कर लीजिए ना। अरे बिहार में किसकी सरकार है भैया? अब ना है, पहले बोलिए ना। नहीं नहीं अभी दिन में थोड़ी हुआ, हम 2 साल पहले की बात। अच्छा 2 साल में, 2 साल पहले रोड भी 2 साल पहले बनी थी बिहार की, लाइन ऑर्डर कंट्रोल हुआ 2 साल पहले पड़ी थी। आप जा करके देखिए, बीजेपी के गुंडे 20-20 किलोमीटर गोली चलाते हैं, पकड़े जाते हैं तो क्या, ए जी फला बीजेपी नेता का भाई है, फला बीजेपी वाले का रिश्तेदार है। गोली चलाने वाले पता कि कौन सी पार्टी के थे? हाँ वो जो है कांग्रेस के थे, आरजेडी के। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या बात ना, बात ऐसे आवाज बंद हुई गिरिराज सिंह की। हाँ। समझ रहे हैं, आरजेडी के थे। गोली चलवाओगे जंगल राज आएगा, जंगल राज बीजेपी करवाई है। जहाँ इसकी सरकार नहीं बनेगी वह दंगा फसाद करवाएगी, बम धमाके फड़वाती है। कांग्रेस को रास्ता नहीं मिल रहा कहीं भी। आपको 2024 में
आपको पता चल जाएगा रास्ता किसको नहीं मिला। बनाना किसे चले, बन कौन रहा देखिए। हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष बनाना किसे चले, बन कौन रहा। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता है, बन रहे हैं। नौ बार विधायक रहे हैं। अशोक गहलोत का क्या हुआ? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो भी तो बन रहे थे ना अध्यक्ष। भाई साहब चर्चाएं होती हैं, और कौन बन रहा है उस पर, वहाँ तुम्हारे वहाँ लोकतंत्र बन जाए लास्ट में आके। ऐसा कुछ है नहीं, चुनाव हो रहा है। तमाशा कभी हो आप लोगों का? हमारा तमाशा नहीं है, तमाशा बीजेपी करती है। बीजेपी से नहीं पूछते, हिम्मत नहीं है पूछने की। हम तो पूछते हैं। नहीं नहीं, पूछिए, जाइए ना अमित शाह से कि आपके आपके वहाँ लोकतंत्र है। इतना तमाशा नहीं करती बीजेपी जितना। बीजेपी में लोकतंत्र है, जिसको जिसको लोग चाहेंगे वही होगा। गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। गरीब माँ का बेटा, अगर संविधान नहीं बना होता तो गरीब माँ का बेटा ऐसा नकारा। 24 में कांग्रेस सरकार है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। क्यों बनेंगे राहुल गांधी? जनता से पूछो क्यों बनेंगे। भीड़ देख करके पुड़पुड़ी हिल गई है, पुड़पुड़ी। राहुल गांधी पानी में भीग रहे हैं, बारिश में। हाँ तो भीग रहे हैं, लेकिन फोटो में कहा जा रहा है सब दिखावा है। पहले तो बाइक पे चल रहे थे बीच में। अच्छा, कहिया कहिया बाइक पे चल रहे थे? फोटो वायरल होती है। कब आ रहे होती है आपकी फोटो किसी लड़की के साथ वायरल कर दिया जाए, मान लेंगे तो मान लेंगे। हाँ, बाइक की यात्रा जीतू पटवारी के साथ मध्य प्रदेश में हुई। अब आईटी सेल वाले उनके ऊपर जैसे बाल फेंक रहे हैं, उसे सिक्स लग रहा है। बीजेपी की एकदम धरातल में संघ के नेता कह रहे हैं कि 125 जिले हैं जो पूरे देश के, उनकी हालत बहुत खराब है, वहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है। 125 जिले भारत में ही है ना। हाँ, संघ वाले क्या कह रहे हैं? अरे भाई, संघ वाले कह रहे हैं 125 जिले भारत में ही है ना, पाकिस्तान में तो नहीं ना। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पूछिए, काहे आप इतना विरोध कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि 125 जिलों की स्थिति इतनी भयावह क्यों है। ए चाचा सुनिए ना, 75 जिले यूपी के ले लीजिए। हाँ बोलिए, कहाँ करनी काट रहे हैं? पहली बार जो है देश में कोई राम और हनुमान का जो है अवतार आया, तो आपको काहे पेट में दर्द हो रहा है? राम और हनुमान, असली राम है। अच्छा, हनुमान है। माता जी कहाँ है? सीता जी कहाँ है भैया? राम की तो पत्नी भी थी ना, वनवास छोड़ जाए। हाँ, हरण हो गया, वनवास छोड़ जाए। कहाँ वनवास छोड़ा है? वनवास में 14 साल का जो वनवास मिला था, जगत जननी माता राम के साथ थी। इस राम की कहाँ है? ये तो आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। अरे व्यक्तिगत कहे कर रहे हैं, ये राम कह रहे हैं। ब्रह्म को ब्रह्म की उपाधि दे रहे हैं एक नकारे आदमी को। नकारा? हाँ, आदमी बता रहे हैं, मोदी जी को नकारा। अरे अपने माता जी का कंगन चुरा के भग गए थे। आज पूरे दुनिया में जब तक मोदी जी से कोई राय नहीं ले ले, कोई फैसला नहीं होता पूरी दुनिया। एकदम आप जैसे अंधभक्त रहेंगे तो होगा। अरे जिस देश के पढ़े लिखे लोग एक जाहिल आदमी के भाषण पर और तालियां बजाते हो, गुरु गोरखनाथ, कबीर दास और गुरु नानक देव एक साथ धर्म पे चर्चा करते थे, और उसके बाद ऐसे ऐसे ताली बज रही थी। चतुर्वेदी जी, यूपी में ट्रैक्टर बैन कर दिया, सवारी नहीं बैठाएंगे ट्रैक्टर पर आप? योगी जी ने आप देखिए क्या क्या बैन करते हैं। रोड तो उनसे बनती नहीं है। किसान कुछ लगे थे वो बंद नहीं कर रहे? उसको नहीं बंद करेंगे, इसलिए उन्हीं के पार्टी के मंत्री का बेटा है ना। कश्मीर में अमित शाह जी गए हैं, वहाँ पे मोबाइल इंटरनेट वगैरह बंद हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? अरे अमित शाह जहाँ जाएंगे और जहाँ इन लोगों के पग पड़ेंगे वहाँ विपत्ति आनी ही आनी है। हत्या हो गई है वहाँ पर, डीजी की हत्या हो गई। तो हत्या हो गई तो किसने करवाई? आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी ले रहा है। अब जिम्मेदारी ले रहा तो आतंकवाद तो खत्म हो गया था, मोदी राज में रामराज था, 370 समाप्त किए थे। नहीं नहीं, 370 समाप्त किए थे, वहाँ सरकार तो भारत सरकार की ही है ना हुकूमत, तो कहीं डीजी की हत्या हो रही है।